नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त हम जहां बैठे हैं, प्रवीण हमारे साथ हैं, ऑटो चालक हैं, और लगातार चर्चा चल रही है कि कैसा काम धंधा चल रहा है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। जाहिर तौर पर हर कोई शख्स यही चाहता है कि वो तरक्की करे और जीवन में आगे बढ़े। प्रवीण जी, आपका काम कैसा चल रहा है? लोगों बहुत मंदा चल रहा है, है नहीं काम बिल्कुल भी। ये कारण समझ नहीं आया, कई लोगों ने ये बात कही कि मंदा चल रहा है, ये मंदे के पीछे क्या दिक्कत है? आप पे भी GST लग रहा है क्या कहीं? तो GST तो वैसा अपने में लगेगा जब गाड़ी एक जो 2,20,000 की 3,25,000 के में जाके पड़ेगी, उस गाड़ी पे कंट्रोल नहीं होने का। कैसा तो कंट्रोल? लिमिट से बाहर निकले ना गाड़ी, जैसे कोई लिमिट ही नहीं गाड़ी बेचने की, ना किसी चीज़ की कंट्रोलिंग नहीं हो रही किसी चीज़ की। तो जब कंट्रोलिंग नहीं हो रही तो सबसे ज़्यादा काम गाड़ी बाहर आएगी, तो वो काम कहाँ रहेगा? गरीब आदमी आप चाह रहे हैं कि बिकनी कम हो जाए। बिल्कुल, गाड़ी कम बिकनी होगी तो बाहर में परमिट कम मिले। परमिट तो 20-25,000 तक कम है ही नहीं। अच्छा, परमिट तो आदमी गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता इस काम को। अब वो 9,000 महीने 10,000 महीने किस कहीं ना कहीं से जुगाड़, आदमी 10-20-50,000 का जुगाड़ करेगा, कहीं ना कहीं से गाड़ी लेगा, फिर वो अपने घर के लिए सोचेगा या किस्तों के लिए सोचेगा। अब मेरे पास गाड़ी जो है उसकी किस्त 9,000 रुपये 80,000 महीने जमा करें उसके अंदर। अच्छा, 1,000 रुपये किस्त है आपकी? 9,000 महीना किस्त है, और आप जानते हैं घर का खर्चा भी है, बाल बच्चे। कौन लोग हैं आपके घर में, कितना परिवार है? मेरे घर में 3 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं मेरे, एक मेरी मिसिज है, मैं हूँ, मेरी मम्मी है। ओके, यानी अच्छा खासा खर्चा है, 9,000 किस्त के भी देने हैं और फिर ऊपर का भी निकालना है। बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सब चीज़ है। अब पता नहीं कैसे ना कैसे करके मैनेज करना पड़ता है, लेकिन होता नहीं है, मुश्किलें आ रही हैं, बहुत मुश्किल। अगर हम सोचते हैं कि ये काम कर ले तो होता नहीं मर से। 1 किलो आटे लेने लगे सोचना पड़े, ले ना ले। इन बेटियों को आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब कैसा स्कूल है, सरकारी है, प्राइवेट है, किस तरह का है? अब आगे भविष्य अगर बनाना है बच्चों का तो प्राइवेट सरकारी स्कूल में तो भविष्य नहीं है। बहुत बहुत जायज़ बात आप कह रहे हैं, सरकारी स्कूल में भविष्य तो नहीं। अगर जैसे आज की सर्विस चल रही है, नौकरी चल रही है, तो इसके लिए बच्चों को अगर पढ़ाना है तो वाई फाई जैसे स्कूल है हमारे सामने, आशा मॉडल वगैरह के स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उन्हें आगे जाके नौकरी मिलेगी 30-45,000 रुपये की। तो मतलब वो सरकारें दोषी हैं, कौन दोषी हैं जो ऐसे स्कूलों का निर्माण नहीं कर पाया? क्योंकि एक भारी खर्चा तो स्कूल में पढ़ाई का भी है ना। स्कूल का पढ़ाई का भी, लेकिन ये सरकार को दोष नहीं देना चाहिए इसमें। जो नीचे का सिस्टम है ना वो दोषी है, वो सही नहीं है बिल्कुल भी। जो नीचे का सिस्टम भाई साहब वो सही नहीं। अगर वो नीचे का सिस्टम सही हो जाए, सरकार तो अपनी तरफ से हर चीज़ दे रही है सबको, लेकिन जो नीचे आके पहुँचाए नहीं जा रहा उन चीज़ों को ढंग से, जैसे आम आदमी के पास चीज़ को पहुँचाना चाहिए, वो नहीं पहुँचा पा रहे। प्रवीण जी आप बहुत जायज़ बात कर रहे हैं, मतलब प्रवीण जी कह रहे हैं कि जो लोग नीचे का सिस्टम बना रहे हैं, जो उनको पहुँचाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, जो सही से चलाना चाहिए, चाहे फिर वो शिक्षक हो, आप शिक्षकों को भी कह रहे हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है, मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई है। अगर आपको टाइम अच्छा, ये बताइए 2019 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब 2019 में जो है अच्छा होना चाहिए, जैसे देश सरकार कौन सी दिख रही है, मोदी, राहुल या कोई और? मोदी आना चाहिए हमारे हिसाब से भाई साहब, क्योंकि जैसे उन्होंने देश की जड़ें मजबूत करी हैं, इस हिसाब से तो हम तो मोदी बिल्कुल। और राहुल गांधी पे क्या कमेंट है? उन्होंने 60 साल राज कर, उन्होंने कोई कमेंट नहीं कर सकता कोई भी, मतलब जिसने 60 साल कर लिया कोई कमेंट ना।